नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद पीके में। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्या है, एक विशेष अपडेट एक और आई है हरियाणा पुलिस को लेकर, यानी हरियाणा पुलिस के जो पीएमटी होने उसको लेकर क्या है, जो उन्होंने शॉर्ट नोटिस कैंडिडेट्स की क्या है पीडीएफ डाली थी उससे रिगार्डिंग जो भी समस्याएं थी उसके रिगार्डिंग एक अपडेट आई है, आप देख सकते हो उसमें। यानी कि जैसे कि इसमें आप देख सकते हो नोटिस टू द कैंडिडेट्स फॉर क्लैरिफिकेशन इन रेफरेंस टू द नोटिस डेटेड 14/7/2024 फॉर पीएमटी फॉर द पोस्ट ऑफ मेल कॉन्स्टेबल जीडी अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2024 कैटेगरी नंबर 1 ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा। तो इसमें क्या इंफॉर्मेशन है, क्या अपडेट है, हम एक बार देख लेते हैं लेटर को पढ़ के। यानी कि दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन टू द कैंडिडेट्स, यानी कि ये कैंडिडेट्स के लिए इंफॉर्मेशन के लिए है। इट इज क्लैरिफाइड दैट फ्यू कैंडिडेट्स हैव बीन शॉर्टलिस्टेड इन जनरल कैटेगरी। इसमें बोला है कि कुछ अभ्यर्थियों को क्या है जनरल कैटेगरी में क्या है शॉर्टलिस्ट किया गया है, वाइल दे हैड अप्लाइड इन द रिजर्व कैटेगरी, जब भी उन्होंने क्या है रिजर्व कैटेगरी के अंदर क्या है अप्लाई किया था फॉर्म को। उसके बाद द रीजन फॉर दिस इज दैट दिस कैंडिडेट्स क्लेम फॉर रिजर्व कैटेगरी हैव नॉट बीन फाउंड वैलिड, यानी कि इसके पीछे का कारण क्या है, उन्होंने क्या है रिजर्व कैटेगरी में क्या है अप्लाई किया था परंतु जो उन्होंने उसके लिए सर्टिफिकेट दिया जो उसके लिए वो दिया था वो क्या है उनका वैलिड नहीं पाया गया ड्यू टू द रीजन मेंशन्ड बिलो बट देयर स्कोर इज मोर देन द शॉर्टलिस्टिंग कट ऑफ फॉर द जनरल कैटेगरी, यानी कि जबकि उनके क्या जनरल कैटेगरी से क्या है जो कट ऑफ थी उससे नंबर ज़्यादा थे परंतु उन्होंने अप्लाई किस में किया था, उन्होंने अप्लाई किया था रिजर्व कैटेगरी में परंतु जिन्होंने जो सर्टिफिकेट दिया वो वैलिड नहीं पाया गया। तो उसके लिए ये इंफॉर्मेशन है, इन्होंने क्या है इसमें रिमार्क्स दे रखा है कि क्या कारण था उसका। यानी कि जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो बीसीबी सर्टिफिकेट्स बिफोर कट ऑफ डेट 1/4/2024, यानी कि इस पर क्या है इस तरफ क्या है उन्होंने कुछ बच्चों की पीडीएफ लिस्ट भेजी है, इस तरफ क्या है इस तरफ रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखे हैं आप देख सकते हो, यानी कि आपने अप्लाई किया होगा तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको पता होगा, उस रजिस्ट्रेशन नंबर से आप अपना देख सकते हो कि पीडीएफ में जाके चेक कर सकते हो कि आपके इसमें क्या प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से क्या आपको क्या है जनरल कैटेगरी में क्या है शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है जबकि आपने अप्लाई किस में किया था रिजर्व कैटेगरी में किया था। जैसे कि आप देख सकते हो बीसीबी यानी कि किसी बच्चे ने 100 उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है 199 है बीसीबी सर्टिफिकेट लगाया था पर बिफोर कट ऑफ डेट 1/4/2024, यानी कि एचसी के अकॉर्डिंग क्या है 1/4/2023 से क्या है उनके उससे पहले का क्या है उनका सर्टिफिकेट था तो इस वजह से क्या है उनका जो वो रिजर्व कैटेगरी में क्या नहीं माना गया। ऐसे ही क्या सारे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखे हैं, यहाँ पर उनका कार्ड दे रखा है बीसीबी का सर्टिफिकेट दे रखा है 1/4/2023 का बीसीबी सर्टिफिकेट आप देख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद नीचे हम और देख लेते हैं, जैसे कि ये सारी लिस्ट क्या है बीसीबी की है जिनका क्या है जो सर्टिफिकेट था वो 1/4/2023 से पहले का था, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखे सभी के और मैं इसको पीडीएफ को क्या है नीचे कर देता हूँ उसमें हम देख लेते हैं कि और भी कैंडिडेट्स भी है तो सारे बीसीबी के हैं। तो लगभग क्या है ये इसमें हम देख लेते हैं 63 पेजों में क्या सभी कैंडिडेट जो बीसीबी के हैं बीसीए के हैं या डीएसएम के हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये ईडब्ल्यूएस यानी कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है बिफोर कट ऑफ डेट 1/4/2024, जैसे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है उसके बारे में तो आपको पता ही है यानी कि ये हर साल रिन्यू होता है। उसके बाद जो डीएसएम का सर्टिफिकेट है बिफोर कट ऑफ 1/2/2023, यानी कि इन्होंने क्या है सबके लिए क्या है डेट दे रखी है उस डेट से पहले का जिनका भी सर्टिफिकेट है वो क्या है वैलिड नहीं माना गया है तो आप उसको क्या रिन्यू करवा के दोबारा क्या है साइट पर अपलोड कर सकते हो और अपने क्या है ग्रीवियंस में डालकर क्या है उस पर काम करवा सकते हो या आप वहाँ पर जाकर भी क्या उसको करवा सकते हो एचएससी के वहाँ पर। तो आप देख सकते हो ये सारी जो पीडीएफ है वो इसी के रिगार्डिंग पीडीएफ है। अब जैसे कि देखो एक का ये रीजन आया है कि अपलोडेड ब्लैंक अनरीडेबल कंप्लीट डॉक्यूमेंट फॉर एससी कैटेगरी सर्टिफिकेट, जैसे कि उन्होंने क्या रिमार्क्स में दे रखा है यानी कि ये कोई 3,53,400 उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है तो उन्होंने साफ साफ क्लियर लिखा है यानी कि अपलोडेड ब्लैंक अनरीडेबल यानी कि जो ब्लैंक आ रहा है वो अनरीडेबल है उसे पढ़ा नहीं जा सकता करप्टेड डॉक्यूमेंट फॉर एससी कैटेगरी यानी कि एससी कैटेगरी में अप्लाई किया था तो उन्होंने क्या है जो भी कैंडिडेट्स में सेलेक्ट किए हैं उनके कोई ना कोई रीजन है उन्होंने क्या रिमार्क्स में क्या रीजन उसका डाल रखा है। तो अब यहाँ पर कुल मिला के क्या है इसमें यही है इसमें लगभग क्या है जो पीडीएफ आई है लगभग क्या है 3700 बच्चे हैं जिन्होंने जिनको क्या है
जनरल कैटेगरी में क्या है सेलेक्ट कर लिया गया, शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है, और जबकि उन्होंने क्या रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई किया था। तो यही इस वीडियो में अपडेट थी, आप जाके पूरी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, साइट पे जाके देख सकते हो। अगर आप को पूरी पीडीएफ देखनी है, अपना रोल नंबर चेक करना है, तो मेरा डिस्क्रिप्शन में क्या टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ पर जाकर भी क्या है पीडीएफ को देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और अपना रोल नंबर सर्च कर सकते हो कि आपने एक बार जरूर चेक जरूर करना कि कहीं ऐसा हो आपने रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई किया था और आपका रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई किया था, जनरल कैटेगरी में आपको क्या है नाम आ जाए। तो इसमें थोड़ा सा बेनिफिट भी है आपके लिए, लॉस भी है, यानी कि कट ऑफ के अकॉर्डिंग। फिर लॉस ये है कि आपको क्या जनरल को फाइट करना पड़ेगा, तो अगर किसी के बच्चे के नंबर ज़्यादा है जनरल कैटेगरी से तो उसके लिए तो लॉस है। तो कुल मिला के क्या इस वीडियो में यही अपडेट थी। अगर ऐसी और अपडेट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।